नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का। कलर करने से पहले मैंने कपड़ा को अच्छा से फ्रेम में लगा लिया है। उसके बाद मैंने ऊपर से कलर करने शुरू कर दिया, क्योंकि अगर नीचे से मैं कलर करने शुरू कर दूँ हो सके कि मेरा हाथ लग के कलर लग सकता है। इसके लिए मैंने ऊपर से स्टार्ट किया। पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। ये फूल में मैंने ज़्यादा शेडिंग नहीं किया है, इसमें सिर्फ कलर ही फिल किया है आउटलाइन ड्रॉ करके। अभी मैं स्टेम ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं कलर कर रही हूँ पत्ते में। पहले मैंने एक साइड में मैंने येलो कलर किया है और दूसरे साइड में मैंने ग्रीन कलर कर लिया, और उसके बाद ये दोनों कलर को मैंने मर्ज कर दिया। ये कलर पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से आपने ग्रीन किया है और येलो किया है, दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करना है। कलर करने के समय मैंने पूरे मेखला चादर में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। पानी के जगह पे मैंने मीडियम वन लिया है। सही मैं बना रही हूँ। पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया और उसके बाद इसमें मैं रेड कलर फिल कर रही हूँ। ये देखिए, पूरे फूल मैंने ऐसे करके बना दिया है। मैं पत्ता का थोड़ा डिटेल कर रही हूँ। ये कलर अच्छे से सूखा नहीं है, इसके ऊपर ही मैं कर रही हूँ। अभी मैं येलो कलर लेके फ्लावर का बीच में थोड़ा शेड दे रही हूँ और इसका स्ट्रोक मैं बाहर लेके आ रही हूँ, देखिए। और इसका फाइनल लुक ये है मेखला और ये है चादर। चादर के साइड में मैंने एक लेस भी लगाया है पूरे चादर में। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी अगली बार।